लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थर थर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गटगट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई, और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की, और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मॉन्क बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मॉन्क की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे।